नमस्कार साथियों, एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी का लाइव टेस्ट होने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हिंदी के लाइव टेस्ट को। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए आवाज़ जो है आप सभी को क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हम लोग टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। और पर डे होता है लाइव टेस्ट, तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और इस टाइम पे आप लोग सारे के सारे लोग आ जाया करो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सशक जो होता है, शशक जो होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं शशक के बारे में, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है आपका खरगोश होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अन्य भी पर्यायवाची आपके खरहा, कई बार आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया खरहा क्या होता है, तो वो भी आपका खरगोश का ही या शशक का ही पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का सभी लोग जवाब दीजिए कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भैया। गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। 52 जवाब देखे आना शुरू हो गया। तो भैया इसका मतलब होता है अवसरवादी होना, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या होता है, अवसरवादी होना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ए भी बोल रहे हैं, भैया अपने काम से काम रखना, बट गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास का मतलब होता है कि अवसरवादी होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, भैया सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए सर। 53 कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भास्कर, दिवाकर, मयंक और सविता। तो सभी को पता है जो मयंक होता है सूर्य नहीं, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 54 कह रहा है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रत्येक, तो बताइए सर, प्रति प्लस एक या प्रत्यय प्लस एक या प्रत्यय प्लस एक। तो बहुत ही आसान है, तो प्रत्येक का जो पर्यायवाची होता है वो आपका प्रति प्लस एक होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ई प्लस ए यानी कि ए में हो रहा है, तो आपका यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं यण संधि या ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, भाई जो शास्त्र जानता है वो क्या कहलाता है, बताइए सभी लोग, जो शास्त्र जानता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जो शास्त्र जानता है वो जानकार विद्वान नहीं होता, वो शास्त्रज्ञ होता है, शास्त्र ज्ञाता भी नहीं होता, शास्त्रज्ञ होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 56 कह रहा है पुराण में अगर हम लोग इक प्रत्यय जोड़ दें तो आपका कौन सा शब्द बनेगा, पुराण में अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बताइए सभी लोग कौन सा शब्द आपका यहाँ पर बन जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो पुराण में अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका पौराणिक बनता है, क्या बनता है आपका पौराणिक, कौन सा पौराणिक, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 57 कह रहा है, ये तो पहले भी करवाया जा चुका भैया, हाथ से हथियाना लात से लतियाना, अभी शायद परसों वाले टेस्ट में ये सेम क्वेश्चन आपको मिला था। यहाँ पर इस संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं नाम धातु क्रिया, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर ये हाथ से हथियाना इस संज्ञा से क्रिया बना, तो ये आपकी नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है, आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीठा शब्द का विशेषण बताइए सर, मीठा विशेषण है, इसको अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो क्या बन जाएगा, मिठापा, नहीं भैया, मिठाई, मिठास या मिठास, कौन सा मिठास होगा। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सबको पता है, क्लियर है, बस मिठास में कौन सा होगा, जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा सर। मिठास में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मिठास ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 59 देखिए क्या कह रहा है, भाई कोई आया है, कोई आया है इस वाक्य में, जो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक, किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, कोई आया है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखो कोई यहाँ पर क्लियर नहीं है कौन है, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं अनिश्चयवाचक, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भाई निम्न में तत्पुरुष समास कौन सा है, तत्पुरुष समास बताना है भैया आपका कौन सा है, प्रतिदिन, पथभ्रष्ट, कोना कोना या मारपीट। सभी लोग जवाब दे सकते हैं यहाँ पर पथ भ्रष्ट, बिल्कुल सही जवाब है भाई। पथ भ्रष्ट का मतलब क्या होता है भैया, पथ से भ्रष्ट, या मतलब क्या होता है पथ से भ्रष्ट, यानी कि आपका अलग होने के अर्थ में यहाँ पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
इसी तरह 61 का सभी लोग जवाब दीजिए भैया, प्रार्थना के समापन में क्या लिखा जाता है? जो प्रार्थना आप लोग लिखते हो प्रार्थना पत्र, उसके अंत में आप लोग क्या लिखते हो भैया? आप लोग भवदीय लिखते हो या शुभकांक्षी लिखते हो या शुभ चिंतक लिखते हो या आपका विश्वास पत्र लिखते हो, पात्र लिखते हो? तो याद रखिएगा, जो प्रार्थना पत्र होता है उसके नीचे यानी कि उसके समापन में हम लोग क्या लिखते हैं? भवदीय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके समापन में क्या लिखते हैं हम लोग? भवदीय लिखते हैं। जबकि यहाँ पर स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पत्र, ये जो है अनौपचारिक पत्रों के अंत में लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि बताइए कौन थे? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। 62 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भक्तिकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो आपके कबीरदास जी थे। कौन थे दोस्तों? कबीरदास जी थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? सभी लोग बताइए सर, जो पावक है और अग्नि है ये कैसे शब्द हैं? अवनामी है या समनामी है, पर्याय? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 63 का। तो याद रखिए दोस्तों, जो पावक होता है वो अग्नि का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। क्या होता है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी, जितने लोग जवाब दे रहे हो वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। 64 का जवाब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आना शुरू हो गया है, सभी लोग दे रहे हैं भाई। शोक जो है वो किस रस का स्थायी भाव होता है? शोक की बात कर रहा है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं शोक के बारे में, तो ये आपका करुण रस का, किसका दोस्तों? करुण रस का स्थायी भाव है, क्योंकि जो भाव मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, और स्थायी भाव की संख्या टोटल 9 है, सभी को पता है। और क्रोध और वात्सल्य और वीर सबको पता है किसका क्या होता है। 65 का जवाब दीजिए, वह विद्यार्थी नहीं आया, इस वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है? वह जो है बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, वह विद्यार्थी नहीं आया, इसमें वह जो है कौन सा विशेषण है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सार्वनामिक विशेषण। जी हाँ, जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए सर, अज्ञ जो है इसका विलोम विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। भैया अज्ञ की बात करते हैं तो अज्ञ का विलोम आपका क्या होता है? विज्ञ होता है। बहुत ही सिंपल सा है, आपका क्या होता है? विज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह बहिरंग का विलोम बताइए क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, बहिरंग इसका विलोम बताइए क्या हो जाएगा? सौरंग, बहुरंग, सबरंग या अंतरंग? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब कितने लोग सही दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है सर, बहिरंग का विलोम, देखो बहि मतलब बाहर और अंत मतलब अंदर, तो अंतरंग। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक में विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है? पहला यहाँ पर कह रहा है, मेज पर रखा हुआ ग्लास का पानी बहुत शीतल था। मेज पर, तो मे पर ऊपर, तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं, आपको सभी को पता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, दुधवा पार्क में बहुत से, यहाँ पर भी मे लगा है, और पैरों से चलना यात्री यात्रा समुदाय से चलना समाज तथा, यहाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं भैया, आकाश से गिरी बूंद, देखिए आकाश से बूंद अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 देखिए क्या कह रहा है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? स्फूर्ति जो शब्द है इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 69 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे सर। स्फूर्ति, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया स्फूर्ति शब्द का जो तद्भव रूप है आपका क्या होता है? फूर्ति होता है। क्या होता है? फूर्ति। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया सर। इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तुरंग शब्द जो होता है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तुरंग शब्द का, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया भाई। तुरंग मतलब सबको क्या पता है क्या होता है? तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया वाजी। वाजी का मतलब भी दोस्तों आपका क्या होता है? घोड़ा होता है, अश्व होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 71 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित शब्दों में से एक आपका स्त्रीलिंग है। आप सभी लोग बताइए यहाँ पर कौन सा आपका जो है स्त्रीलिंग है? रस्सा, धागा, सूत और डोरा। रस्सा, सूत, धागा, अगर हम बात करते हैं भाई, रस्सा बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है, सूत भी बांधा जाता है, लेकिन हम बात करते हैं डोर के बारे में, तो डोर जो होता है दोस्तों आपकी, ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किस में हुआ है। लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला व नहाता है। चलिए फटाफट 72 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया भाई, राम सो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, वह नहाता है, सकर्मक क्रिया की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे मैं चला और वह नहाता है, ये तो भाई अकर्मक हो गए, और राम सो रहा है, यहाँ पर भी देखा जाए तो कर्म तो है नहीं कुछ भी, लेकिन लड़की सिल रही है तो कुछ तो सिलेगी ना। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया हिंदी दिवस मनाने की तिथि, सभी को पता है हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है, सभी को पता है सर 14 सितंबर। बिल्कुल सही बात है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस तब से मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर कौन सा है सर, 74 है, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। चलिए बताइए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। फटाफट से भी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, जैसा करोगे वैसा भरोगे में अगर देखा जाए तो संबंध दिखा रहा है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, जो छा है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 76 है, 75 है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे, जो छा है इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। चा छा, छा आपका तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। छा आपका क्या कंठ ध्वनि है, यहाँ पर सभी लोग बताइए, छा आपका क्या कंठ ध्वनि है। तो बिल्कुल सही बात है सर, छा जो है आपका यहाँ पर कंठ ध्वनि है, यह सही नहीं है, क्योंकि भैया का खा गा घा अंगा ये आपके आते हैं कंठ ध्वनियों के अंतर्गत। छा छा जा जा महाप्राण कह सकते हो, तालव्य कह सकते हो, अघोष कह सकते हो, ठीक है, पर कंठ नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर, तो देखिए क्या कह रहा है, भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बताइए जो भवानी शब्द है इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, भैया भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, भवानी का जो पुल्लिंग होता है भव होता है, क्या होता है, भव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए क्या कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूहों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, बताइए उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूहों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, 77 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द समूह को 5 वर्गों में बांटा जाता है। कितने दोस्तों, 5 वर्गों में। आप कहोगे कौन कौन से, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक आपका तत्सम तद्भव तत्सम हो गया, एक आपका तद्भव हो गया, एक देशज हो गया, एक विदेशज हो गया, 4 हो गए, एक आपका बचता है संकर। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को टोटल 5 वर्गों में बांटा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 78 का सभी लोग जवाब दीजिए, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। चलिए फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 78 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही जवाब आया सर, दुर्बोध नहीं होगा, और दुर्लभ और दुर्गम में कुछ लोग कन्फ्यूज हैं, तो बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो दुर्लभ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, जो कठिनाई से प्राप्त करते हैं उसको दुर्लभ बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79, कि वे शब्द जो विभिन्न पदों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, सभी लोग जवाब देते ही चलेंगे, भैया वे शब्द जो विभिन्न पदों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, वे शब्द जो विभिन्न पदों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उनको हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जैसे तथा हो गया, और हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो है आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि किस वर्ग के व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, भाई किस वर्ग के व्यंजन जो है आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए 80 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो सभी को पता है भाई अंतःस्थ की अगर हम बात करते हैं तो या रा ला वा, सभी को पता है ना, या रा ला वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। 81 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, कौन सा शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अस्तित्व, बेईमान, थकावट और हरियाली। देखो थकना से थकावट बना है, हरियाली
की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अस्तित्व के बारे में, तो ये भी आपका जो है भाववाचक संज्ञा है। जबकि बेईमानी जो है आपका, बेईमान, बेईमान जो शब्द है, सिर्फ बेईमान लिखा, बेईमानी नहीं लिखा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेईमान शब्द जो है आपका विशेषण है, ना कि संज्ञा है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। 82, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर गुणवाचक विशेषण यहाँ पर कौन सा नहीं है? बहुत, ईमानदार, नरम या आपका सुगंधित? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। ठीक है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है सर, 82 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर नरम, नरम की अगर हम बात करते हैं, सॉरी नरम तो यहाँ पर गुणवाचक कह रहा है कौन सा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नहीं पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर नरम है, सुगंधित है। अगर हम बात करते हैं नरम के बारे में, सुगंधित के बारे में और ईमानदार के बारे में, तो ये आपके गुणवाचक शब्द हैं, गुणवाचक आपके विशेषण हैं। लेकिन बहुत जो है आपका ये गुण नहीं दिखाता, ये आपका क्या क्वांटिटी दिखाता है। इसलिए आपका बहुत जो है बेसिकली आपका एक प्राविशेषण होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसके अंदर में आता है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 83 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भैया अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 83, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, 83 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनल है और वहीं भी है और अमी भी है, लेकिन हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, पावक के बारे में। तो पावक भी है, तो यहाँ पर चारों के चारों दिए गए, तो अमी यहाँ पर, सॉरी अमी दिया गया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई थी, अमी दिया गया। तो अमी की बात करते हैं तो आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दिए थे ऑप्शन नंबर डी, वो लोग बिल्कुल करेक्ट है, मैं गलत था वहाँ पे। ठीक है, 84 का जवाब दीजिए सर, सूत शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। सूत शब्द जो दिया गया है, सूत समेत वाला नहीं है, सूत शब्द का तत्सम बताइए क्या हो जाएगा। तो सूत एक तद्भव है, जवाब देखे आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है सर, सूत्र, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं सूत्र, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल कह रहे हैं, ये आपका तत्सम हो जाएगा। इसी तरह 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आध्यात्मिकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए आध्यात्मिकता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। 85 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो आध्यात्मिकता शब्द का विलोम बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, इसका विलोम होता है भौतिक। इसका विलोम क्या होता है भाई, भौतिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्म और भौतिक मतलब क्या होता है, जो आपको भौतिक दुनिया में दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल विलोम हो जाता है। ठीक है सर, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 86 देखिए क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो, बताइए अपने मित्र की उन्नति पर क्या नहीं करना चाहिए। 86 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, जलन नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 87 कह रहा है कि ये कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, बताइए कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही रूप में लिखा गया है। 87 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर 87 का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है सर, उज्ज्वल यहाँ पर आधा जा जिसमें दो बार है, तो यानी कि जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 कह रहा है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, इसमें रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। भैया जब मीरा पढ़ती है तो मोहन आपका क्या है, सोता है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 88 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। भैया जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, अभी तक तो करेक्ट जवाब आ रहा है सभी का। तो जब मीरा पढ़ती तो मोहन सोता आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा भाई, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट गया। अब नीर का मतलब क्या होता है बताइए सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीर का मतलब क्या होता है, नीर का मतलब जगह, वृक्ष, नीड़ या स्थान। देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा नीर का मतलब क्या होता है, ये नीर का मतलब इसे अलग ही होता है, बट नीर के स्थान पे क्या होना चाहिए था आपको ये बताना है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना। नीर तो आपका पानी हो जाएगा, पानी की तरफ तो कोई लौटेगा नहीं, तो नीर के स्थान पर क्या होना चाहिए था। देखो पक्षी अपने अपने घोंसले में लौटते हैं, घोंसले को हम लोग एक और रूप में बोलते हैं नीड़, क्या बोलते हैं हम लोग, नीड़ बोलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। घोंसला पक्षियों का घर नीर होता है, ठीक है, नीर का शब्द यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 90 सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर, अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, वशिष्ठ, विशिष्ट, प्रतिज्ञा, कृतज्ञ और शुष्क। क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है सर, यहाँ पर देखा जाए तो कृतज्ञ बिल्कुल सही है, प्रतिज्ञा और शुष्क यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखे हैं, जबकि विशिष्ट नहीं होता सर,
विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट में ठा नहीं होता, टा होता है, विशिष्ट होता है ना कि विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 91 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जो आपका दुरुपयोग शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 91 जवाब देखिए, 91 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। दुरुपयोग शब्द में देखा जाए तो दुर उपसर्ग का प्रयोग किया है, दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया जिसमें उपयोग मूल शब्द है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, ये वाला दूर किया गया। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या कह रहा है, धर्मावलंबी किस शब्द से निर्मित हुआ है। बताइए सर, धर्मावलंबी शब्द जो है किस प्रकार निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर क्या है सर, 92 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर 92 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धर्मा प्लस अवलंबी नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 93 पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। आन जो प्रत्यय है इससे बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, लगान, आन बान, आना या आनंद। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे 93 का, और 93 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भैया आन प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है आपका क्या है, लगान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा आपका, लगान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब क्या होता है बताइए। ऐसा इसमें ये बताना है कि शेष दोनों शब्द क्या, देखो लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, लाठी और भैंस संज्ञा है, तो जिसकी और उसकी क्या है बताइए, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या आपका विशेषण है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, और जवाब देखिए 94 का आना शुरू हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, लाठी और भैंस जो है आपके बेसिकली संज्ञाएं हैं, तो क्लियर है, लेकिन अगर शेष दोनों शब्दों की बात करते हैं तो वो आपके क्या हैं, सर्वनाम है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर देखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए क्या कह रहा है, कि लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या हो जाएगा बताइए। लाल से लाली तो काला से क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काली हो जाएगा। तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 96 कह रहा है, रोना का सकर्मक रूप क्या हो जाएगा, जो रोना है इसका सकर्मक रूप बनाना है। जैसे रोना, सीमा रोती है, तो यहाँ पर इसका सकर्मक रूप क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कितने लोग जवाब दे रहे हैं। तो रोना का सकर्मक रूप रुलाना होता है, जैसे किसी को रुलाना हो तो कैसे बोलोगे, रोना सीमा रेखा को रुलाती है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रुलाना इसका सकर्मक रूप होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 97 देखिए कह रहा है, आवाज़ उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आवाज़ उठाना इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, आवाज़ उठाना इसका अर्थ हो जाएगा विरोध करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, विरोध करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, कि सड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए 98 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर जो सड़ानन है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जवाब देखिए 98 का आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर, 98 का जो करेक्ट आंसर है सट, यहाँ पर ये वाला जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 99 कह रहा है, गाकर और खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। देखिए गाकर है और खाकर है, इन क्रियाओं को क्या कहते हैं। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो लोग गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गाकर खाकर, ये क्रियाएं जो होती है आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। जैसे मैंने बोलते ना, मैं गाकर ये कर लूँगा, मैं गाकर वो कर लूँगा, तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। एक वाक्य जो है आपका अशुद्ध है उसका चयन करना है, फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए उसके अंग अंग सजाए गए, अब देखो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देखा जाए तो अंग शब्द जो है एक ही बार प्रयोग कर सकते हो, दूसरी बार प्रयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहा आज का क्लास, ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैथ का वीडियो अगर आपको देखना है तो मैथ का वीडियो अभी थोड़ी देर में मिलेगा आपको, तो मैथ के वीडियोस के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो या अदरवाइज चैनल पर चेक कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।